गर्मी का मौसम आ गया है और बाहर बहुत लू चल रही है, और इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत मैसेज भी आ रहे हैं कि सर अभी मैं बाहर गया था और मुझे लू लग गई है और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी कोई मेडिसिन बताइए। तो आज मैं आपको इसकी एक मेडिसिन इतनी बेस्ट बताऊंगा, यदि आपको लू लग गई है तो मेडिसिन की आपकी दो बूंद जीभ पर डाल लेना, आपके जो लक्षण आ रहे जो मैं आपको अभी बताऊंगा लू लगने में कौन कौन से लक्षण आते हैं, देखना वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और एक मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि सर आप कौन सी दवाई देते हो, किस कौन सी आपके पास डिग्री है, तो मेरे पास मैं बताऊंगा होम्योपैथिक की डिग्री है, वो ऑफलाइन भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ, और इसके साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेफिक्र होकर स्क्रीन पर जो मेरे नंबर हैं आप मुझसे किसी के भी बीमारी है कोई भी उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए लू लगना जिसको हम बोलते हैं सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं, इसके लक्षण क्या है पहले तो आप समझो कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपको लू लगी है नहीं लगी है। बहुत सिंपल लक्षण है, सिर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टी का मन करता है, बहुत बार उल्टी हो भी जाती है, शरीर कांपने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, दस्त लग जाते हैं बहुत बार पेशेंट को, और इतनी कमजोरी आ जाती है कि पेशेंट अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता है। तो ये होते हैं लक्षण। यदि आपको ये लक्षण है तो आप समझ जाना कि आप लू के शिकार हो गए हो, सन स्ट्रोक के शिकार हो गए हो। अब बात करते हैं कि आप ऐसा क्या बचाव करें जिससे कि आप इससे बच जाए, सन स्ट्रोक से बच जाए। इसमें तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई खाना नहीं खाना है जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, मतलब जितनी बाहर की तली हुई चीज़ है, ये फ्राइड चीज़ है, ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खानी है। नॉन वेज नहीं खाना है आपको, ज़्यादा नमक नहीं लेना है आपको, और सबसे ज़रूरी बात आपको धूप में ज़्यादा काम नहीं करना है, धूप में सफ़र नहीं करना है, मतलब लंबे समय तक आपको किसी भी मतलब कोई यात्रा नहीं करनी है, स्पेशली 9 बजे से, सुबह 9 बजे से और शाम के 6 बजे तक आपको धूप से बचाव रखना है। जितना आप धूप से बचाव रखोगे उतना ही आप इस बीमारी से बच सकते हो। खाने में आपको हरी सब्जी लीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। हरी सब्जी में आप लौकी हैं, तोरई हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तरबूज खाइए आप, खरबूजा खाइए, इसमें फल तो कोई सा भी खा सकते हैं आप, इसमें कोई सा भी फल खाइए, सब्जी खाइए, लेकिन तला हुआ बिल्कुल मत खाइए, ठीक है। ऐसे कपड़े पहनिए जिसका रंग हल्का हो, ज़्यादा डार्क कपड़े मत पहनना, काला रंग नहीं पहनना आपको, डार्क ब्लू नहीं पहनना आपको, जिसमें मतलब ज़्यादा चटकदार कपड़े बोलते हैं जिसमें ज़्यादा चमक होती है, ऐसा कोई कपड़े नहीं पहने। सिंपल वाइट कपड़ा सबसे बेस्ट रहता है इसमें, या हल्का कपड़ा जिसका कलर हल्का हो वो कपड़ा आपको पहनना है। जूते ना पहने आप इसमें, यदि जूते पहने तो ऐसे जूते पहने सैंडल टाइप, वे पहने आप जिसमें जो एयर है वो आर पार हो जाए, क्योंकि जूता का बहुत जो हीट है वो नीचे से एकदम आपके ऊपर तक जाएगी, माइंड तक जाएगी, टकराएगी। तो कहने और पानी, पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है पानी में लोग ये गलती कर रहे हैं आज के समय, ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होगा, एक तो आपकी प्यास बार बार लगती रहेगी, दूसरी बात है कि आपको गला पकड़ना जिसको टोन्सिल कहते हैं आम भाषा में, आपको बार बार टोन्सिल होए, गले में दर्द होगा, आपको सिर में दर्द रहेगा, तो आप ठंडा पानी नहीं पीना फ्रिज का। ज़्यादा से ज़्यादा मटके का पानी, मटके का पानी सबसे बेस्ट है, आप मटके का पानी पीजिए। तो मेनली यही बात है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप देखना आप जो लू है इससे आप बच सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मेडिसिन की, इसमें कौन सी मेडिसिन है। इसमें एक ही मेडिसिन, वैसे मेडिसिन इसमें 3-4 है, लेकिन जो सबसे ऊपर मेडिसिन मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट वो है ग्लोनाइन, ग्लोनाइन 30। और ये आपको तभी ले लेनी है, आपको लग रहा है कि मुझे लू के कोई सिम्टम्स आ गए, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो 2 बूंद आपको जीभ पर डाल लेना। आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, आधा आधा घंटे बाद भी 3-4 डोज आप ले सकते हो। आप देखना कि जो आपके लक्षण आ रहे थे, जैसे सिर में दर्द, आंखों में जलन, उल्टी या दस्त आना या चक्कर आना, तो आपके जो सिम्टम्स हैं लक्षण में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे और भी मेडिसिन है इसमें, बैलाडोना भी आती है, ब्राइना भी आती है, लेकिन जो सबसे ऊपर मेडिसिन है वो ग्लोनाइन है। आप ये मेडिसिन अभी अपने घर में रख लीजिए, और ये कोई भी ले सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, आपके घर में कोई भी। और यदि आप बाहर से आए भी हैं, मतलब आप धूप से अंदर आए, घर में आए हो, तब भी ये ग्लोनाइन आप जीभ पर डाल लेना, इतनी इफेक्टिव है कि आपको कोई लक्षण भी नहीं आएगा, लू लगने वाला कोई लक्षण भी नहीं आएगा,
मैं ये कहना चाहूँगा आज के समय गर्मी वाला जो मौसम है, लू जो चल रही है, इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, जो मेरी वीडियो बनाई है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना, अभी जितने भी अपने दोस्तों में शेयर। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मौसम इतना खतरनाक चल रहा है, जिसको लू लग रही है ना उसी को पता है, तो शेयर करने से क्या होगा कि वे भी ये मेडिसिन ले लेंगे और कहीं ना कहीं इससे बच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।